हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुमन चौहान आज फिर से आपके लिए लाई हूँ कुछ हेल्थ टिप्स। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो हमें हो तो जाती है लेकिन उसके रीजन का हमें कभी पता नहीं चल पाता। कई सारे ट्रीटमेंट हम ट्राई करते रहते हैं लेकिन उसमें कुछ दिनों के लिए फायदा होता है लेकिन फिर वो बीमारी वैसी की वैसी ही रहती है। फिर हम हार थक के बैठ जाते हैं कि चलो हो गई तो कोई बात नहीं, जब इसका कोई समाधान नहीं। अगर आपको हर बीमारी का कारण पता चल जाए तो आपकी आधी बीमारी तो समझो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि उस कारण को आप दोबारा तो दोहराएंगे नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि अगर मेरी बीमारी इससे हो रही है तो मैं ये कारण दोबारा दोबारा करूं, तो ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बाल सफेद क्यों होते हैं। एक तो फ्रेंड्स एज के हिसाब से होते हैं, अगर एज हो जाती है 60-70 के आसपास तो बाल सफेद होने शुरू हो जाते थे पहले टाइम में, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो 40-50 की एज में ही बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो लोग इतने व्यस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, इतने बिजी होते हैं कि वो समझ लेते हैं अरे यार चलो किसी कारण से जल्दी होने शुरू हो गए तो क्या हुआ, आप तो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो खुद को पहले ही बूढ़ा समझ लेते हैं वो। लेकिन जो टीनेजर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, 20-30 साल की उम्र है जिनकी, मतलब कि जो या तो जवानी में पैर रखा है या वो छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल के बच्चे हैं, तो उनके भी बाल सफेद हो रहे हैं, तो वो क्या सोचे कि चलो कोई बात नहीं बूढ़े तो हो रहे हैं बाल सफेद होते हैं तो होने दो। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि यार अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ था मस्त रहने का, लाइफ जीने का, अभी से ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई, बाल सफेद हो गए। फिर कहीं ना कहीं शर्म आती है उनको जब वो पार्टी आदि में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं या ऐसे फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं जहाँ पे और लोगों के बाल काले होते हैं और उनके सफेद होते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स लगता है दूसरे भी चिढ़ाने लगते हैं, अरे यार अभी से बूढ़ा हो गए, अभी से ये सब हो गया, तो तब कहीं फील होता है कि क्यों हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाल सफेद होने का कारण आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कहीं से आपको पता नहीं चला होगा कि बाल सफेद होने का मेन कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बाल सफेद होने का मेन कारण क्या है वो आज आपको बताने वाली हूँ, जो कि 100% सही है। अगर आप उस कारण को समझ के और उस चीज को वहीं पे खत्म करते हैं तो ये पक्की बात है कि कुछ ही दिनों में, दिन तो लगते ही है, समय तो लगता ही है, लेकिन 1-2 साल में अगर आप उस कारण को खत्म करेंगे तो आपके बाल दोबारा से काले होने शुरू हो जाएंगे। जो सफेद बाल है वो तो गिरते ही रहते हैं, बालों की प्रोसेस चलती रहती है, पुराने गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, तो फिर जो अब आपके नए बाल आएंगे वो काले आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कारण खत्म करना होगा। ज्यादा बातों में ना पड़ के सीधे कारण पे आती हूँ और बताती हूँ कि क्या कारण है। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगे या अटपटा लगे लेकिन ये सच है फ्रेंड। जब फ्रेंड्स हम लोगों को जुकाम होता है, खांसी होती है, खांसी में क्या होता है हमें कई बार कफ की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जुकाम में तो कफ की प्रॉब्लम होती ही होती है। जब भी हमारी थोड़ी सी भी नाक बंद होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे यार गोली दो, नाक बंद हो रही है, सांस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं सीधे या तो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं या फिर जो घर में दवाइयाँ रखी होती हैं वो ही लेनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जुकाम आ गया है, अब सबके सामने शर्म महसूस होगी, आपकी नाक बहेगी या नाक बंद होगी, सांस नहीं आएगा, आपको काम करने में भी उलझन होती है। तो ये ही गलत है, जो आप दवाइयाँ खाते हैं ना जुकाम में वो गलत होती है, सबसे ज्यादा गलत ये। जो हमारे अंदर गंदगी है कफ के रूप में जमा हो गई है जो निकलने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को डिटॉक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको डिटॉक्स करने का मौका देते हैं या नहीं देते हैं। जब कफ ज्यादा अधिक हो जाता है तो हमें जुकाम होता है, जुकाम होता है तो वो कफ क्या है वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को भी दवाई पे दवाई, अगर उन्हें 4-5 दिन जुकाम रहता है या खांसी रहती है तो हम दवाई पे दवाई दवाई पे दवाई, इतनी दवाई देते हैं कि उसको 2-3 दिन के अंदर ही हम बंद करके छोड़ते हैं, वो खत्म नहीं होता है, उसको दबा दिया जाता है। और दबाने का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा कफ हमारे अंदर बन जाता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। अब आपने देखा होगा फ्रेंड्स जैसे हम खाना खाते हैं पेट साफ नहीं होता है, जब कब्ज हो जाती है, 1 दिन साफ नहीं होता, 2 दिन साफ नहीं होता, तो वो गंदगी हमें परेशान करती है, आपको पता ही है। जब हमारा कब्ज होता है तो हम लगातार उसके कारण को नहीं जानने की कोशिश करते हैं और लगातार वो ही दोहराते रहते हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज होती है। हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, तो 1 दिन हमारा पेट साफ नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, महीने नहीं होता, सालों नहीं होता, तो फ्रेंड्स तब क्या होता है, आंत
हाथों में इन्फेक्शन होने लगता है, किसी को स्टोन बनने लगते हैं, किसी को यहाँ पथरी, किसी को वहाँ पथरी, आपका पेट फूलने लगता है, कई सारी बीमारियाँ आने लगती है। उसी तरह हमारा जो सर होता है, हमारी जो छाती होती है, हमारे जो कानों का, नाक का एरिया होता है, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई गंदगी रहती है, कुछ गंदगी इकट्ठी हो जाती है। अब जानते हैं हमारा कफ कैसे बनता है। कफ ऐसे बनता है जो फ्रेंड्स हमारे मुंह में अंदर की तरफ, इधर ऊपर की साइड जो ये लार बनती है, अंदर लार बनती है, हम जीभ लगाकर, ऐसे जीभ लगाकर देखेंगे तो जीभ पे एक तरल सा पदार्थ आ जाता है, वो लार होती है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं ना, कई बार जुखाम हो जाता है तो मुंह से सांस लेते हैं, तब वो गाढ़ा होकर कफ बन जाता है और कहीं ना कहीं जम जाता है, क्योंकि जुखाम में ज़्यादातर सांस नाक से नहीं लिया जाता है, मुंह से लिया जाता है, तो वो कफ फिर निकल नहीं पाता, क्योंकि आप दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई खा लेते हैं। तो उस कारण से वो नज़ला कई बार तो वो बालों में आ जाता है, कई बार वो कानों में हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, 40-50 साल की उम्र में ही उनको कानों की प्रॉब्लम होने लगती है, किसी किसी के तो छोटे बच्चे के ही कान बहने लगते हैं, किसी किसी के 30-40 की उम्र में ही कम सुनने लगता है, किसी किसी के क्या होता है कि पर्दे बिल्कुल कान के खराब हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। तो ऐसा सभी के साथ तो नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, किसी का नज़ला सिर में चला जाता है तो उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये सब नज़ले की वजह से होते हैं, नज़ले की बीमारियां होती है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। कारण तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा कफ नहीं निकलता है, अंदर जम जाता है किसी ना किसी वजह से, तो वो बालों में, कानों में और आँखों में, जैसे आँखों में खुजली होने लगती है, आँखों की बीमारियां होने लगती हैं, कई सारी खुजली होती है, लाल पड़ जाती है, तो ये सब नज़ले की शिकायत होती है। इनको बोलते हैं कि आँखों में नज़ला आ रहा है, आँखों की वजह से खुजली हो रही है, कानों में खुजली होती है, बहुत ऐसे लगता है कि ऐसे उंगली डाल के खुजा लें, तो वो भी नज़ले की प्रॉब्लम होती है, कान बंद हो जाते हैं, कई बार दो दो तीन तीन दिन के लिए कान बंद रहते हैं, खुलते नहीं, ऐसे लगता है कि सुनाई नहीं दे रहा है, कई बार कानों से आवाज़ आने लगती है, टन टन की आवाज़ आती है, ये सब नज़ले की शिकायत है। तब इसके समाधान पे बात करते हैं, समाधान इसके कारण में ही छुपा हुआ है, आप खुद ही जान गए होंगे। फ्रेंड, जब भी आपको नज़ला जुखाम हो, बच्चों को नज़ला जुखाम हो, तो आपको एलोपैथ की दवाई नहीं लेनी है, कोई भी ऐसी दवाई आपको नहीं लेनी है जो आपके नज़ले जुखाम को ना निकलने दे, बल्कि उल्टा उसको दबा दे, ऐसी दवाई आपको कोई भी नहीं लेनी है। आपको दवाई कौन सी लेनी है, आपको दवाई अपने घर में जो मिलती है, जैसे कि अदरक है, तुलसी है, शहद है, गुड़ है, काली मिर्च है आपकी, बादाम है, तो फ्रेंड्स ऐसी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अपने घर में ही, उनको ले तो हमारा कफ आसानी से निकल जाएगा, क्लियर हो जाएंगे और हमारे जो बाल सफेद होते हैं, कानों की बीमारियां होती है, आपको वो कभी नहीं होंगी। तो आपको जुखाम में क्या करना है, अगर आपके घर में काली तुलसी है, शाम तुलसी है, तो उसके 15-20 पत्ते लें, उनको एक कप पानी में अच्छे से उबाल लें, 5-6 मिनट के लिए धीमी आंच पे उबालें, फिर उसको जब वो गुनगुना रह जाए, या तो उसमें गुड़ डाल लें या शहद डाल लें, तो अपने हिसाब से जो भी डालना चाहे वो आप 2-3 बार पी लें। अगर ज़्यादा गर्मी है, गर्मियों का मौसम है, तब आपको जुखाम हुआ है, तो आपको करना ये है कि जो तुलसी होती है उसको थोड़ा कम मात्रा में ले लें, एक बार ले लें दिन में, रोज़ एक बार ले लें, जब तक आपको जुखाम रहता है। जुखाम वैसे 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, सभी का ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। और कोई लक्षण नज़र आते हों, जैसे कफ के साथ खांसी भी है, बुखार भी है, तब वो और बीमारी कुछ हो सकती है, वो आप अगर ज़्यादा दिन तक चलता, तब आप उसको चेक करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं कि कहीं कोई और बीमारी के लक्षण तो नहीं। वैसे नॉर्मली जुखाम 5-6 दिन में या 7 दिन में ठीक हो जाता है। बच्चों को भी फ्रेंड्स आपको ऐसे ही करना है, तुलसी पका के देनी, अदरक पका के दे सकते हो, अदरक की चाय ऐसे बनानी है, अदरक को ऐसे कूट के एक कप पानी में, सिंपल पानी में आप उबालिए, फिर जब वो गुनगुना रह जाए तो उसमें थोड़ा शहद डाल सकते हैं या फिर गुड़, अपनी मर्जी से जो भी डालना चाहे। गर्मी है तो एक बार दे दीजिए, अगर सर्दी है तो 2 बार आप पिला सकते हैं, 3 बार पिला सकते हैं, बच्चों को आपको वो ही देना चाहिए, तो आपको बहुत जल्दी उस चीज़ से छुटकारा भी मिलता है और अच्छे से जो आपका कफ आदि है वो साफ हो जाएगा। और जितना कफ निकलता है उसको निकलने दीजिए, आराम से निकाल दीजिए, वो कोई गंदगी नहीं होती। गंदगी तो तब होती है जब हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, दब जाती है, लेकिन अगर निकाल के उसको फेंक देंगे, अपने शरीर को क्लीन कर लेंगे, तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आपको जुकाम के साथ खांसी भी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, कफ भी आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आधी कटोरी आप शहद ले लीजिए, उसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये आपको डालना है,
उसमें डाल के मिक्स कर दीजिए। काली मिर्च पाउडर डालना है बना के, वो आप डाल दीजिए उसमें। फिर आपको 8-10 बादाम लेने हैं, उनको भी कूटना है, कूट के 8-10 बादाम भी उसमें मिला दीजिए। फिर आपके घर में अदरक होगा 1 चम्मच 2 चम्मच अदरक का रस, वो भी आप उसमें मिक्स कर दीजिए। फिर इस सब को मिक्स करके अच्छे से मिला के 1 चम्मच सुबह ले लीजिए, 1 चम्मच शाम ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो आधी चम्मच दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं। 4-5 दिन के लिए प्रयोग कीजिए। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप एक टाइम ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज्यादा गर्म हो सकता है। ये बहुत ज्यादा आराम करने वाला है नजले जुकाम में। नजले जुकाम को आसानी से जो कफ बनता है हमारा वो निकाल देगा, खांसी को भी बहुत जल्दी ठीक करेगा। जब आपका कफ अच्छी तरह साफ होने लगेगा और निकलने लगा, जब भी आपको खांसी जुकाम हो तो आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है, इन सब का प्रयोग करना है। या फिर इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रहने दीजिए, गर्म पानी का सेवन करना है। तो आपका कफ जब अच्छी तरह साफ होने लग जाएगा, आपको फर्क अपने आप ही दिख जाएगा कि आपके बाल जो सफेद हो चुके थे वो दोबारा से जो बाल नए आएंगे वो काले आएंगे। ये आपको करने से ही पता चलेगा, ऐसे तो एकदम से पता नहीं चलेगा। आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।